साहब जी चाय बोल देता हूँ। ए छोटू चाय लेकर आना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रप्पा बोमन है सर। किस गांव से हो? बीजापुर से। यहाँ आए कितने साल हुए? कुल 10-15 साल बिताए हैं सर। सभी ने मुझे प्रमोशन देकर मुझे यहाँ से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने मौका नहीं दिया सर। लकवे की वजह से मेरी पत्नी मर गई, मेरी 2 बेटियां हैं सर, उन्हें लेकर गांव-गांव कहाँ घूमता रहूंगा। इसी नौकरी में इसी गांव में रहने का मन बना लिया, इसलिए हमेशा यहीं रहूंगा सर। इस गांव में स्पेशल क्या है? यहाँ रेशम बहुत बनता है सर। इसके अलावा? सिनेमा टेंट है, एक से एक फिल्में यहाँ पे दिखाते हैं सर। वाह 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 वाह। दिन के उजाले में ब्लू फिल्म देखने के जुर्म में इसको लॉकअप में बंद करके रखा है सर, देखिए ना। केस कहाँ है? केस ये क्या है? यहाँ सिर्फ चोरी की ही केसेस भरी हुई हैं। जी साहब जी, इस गांव में ये एक छोड़कर कत्ल, बलात्कार, किडनैप ऐसा कोई भी केस नहीं मिलेगा आपको। अगर एक बार चोरी करने आ गए ये सब ना, तो किसी भी नीचता पर उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं ये सब सर। इन लोगों को तुम जानते हो? जानता हूँ साहब, लेकिन कोई गवाह नहीं है। शक की बुनियाद पर अगर इनको अंदर कर भी दिया ना सर, तो इनके जात वाले इकट्ठे हो जाते हैं, मार पीट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है सर। धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा सर। सांबर अच्छा है, आपको थोड़ा सांबर डाल लूं? नहीं, इतना काफी है। तुमको चाहिए? नहीं मम्मी। ठीक है। और बच्चों, स्कूल कैसा रहा? अच्छा था पापा। वेरी गुड वेरी गुड। और मैडम, आपका बैंक कैसा रहा? इतना हैवी ट्रांजैक्शन नहीं था, इस गांव के हिसाब से ठीक है, बट ओके। आपका दिन कैसा रहा पुलिस स्टेशन में? एक तरह से इंटरेस्टिंग रहा। कोई खून नहीं, रेप नहीं, किडनैपिंग नहीं, सिर्फ चोरियां। चोरी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ तो हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा। माँ, लेकिन इस टाइगर के घर में कोई भी चोर नहीं आ पाएगा। टाइगर? इस घर में कौन सा टाइगर है? माँ, पापा ही तो टाइगर है ना। देखने में कैसे थे वो? दिखने में भूखे शेर लग रहे थे सर। अबे दिखने में तो तू ही गेंडे की तरह दिख रहा है, फिर भी उनसे मार खा के आ गया, शर्म नहीं आती तुझे? काम क्या करता है? माटी पहलवान हूँ, उनको छोड़ना मत सर। तू तो उनको छोड़ करके आ गया, अब पुलिस उनको छोड़ देगी क्या? एक बार मिलने दो, पूरी लाठी तोड़ दूंगा। वो कौन थे, क्या थे, देखने में कैसे थे, कुछ तो पता होगा तुम्हें? नहीं सर, लेकिन वो कौन है मुझे अब पता है। कौन थे वो लोग? जिंदा गैंग। इसका मुंह टेढ़ा हो जाए, इसकी मौत काले नाक के काटने से हो जाए, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने, सुना भाई? अरे बस करो, इधर कोई मरा नहीं है कि रोना धोना मचा रखा है, चलो जाओ यहाँ से। क्या हुआ दीदी? क्या बताऊं भैया, जब मेरी इससे शादी हुई तो मेरे पापा ने मुझे सोने चांदी से मड़ा के भेजा था, अब मेरे पास एक भी नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद कर दिया, इस सेठ के दुकान को भर रहा है। सेठ भर रहा है? जैसे तुम सब फोकट में देती हो, पैसे नहीं लिए क्या? मेरे पापा ने पितृ पक्ष के लिए दिया हुआ बर्तन था ये, उसे भी गिरवी रख दिया, इसके हाथ में लकवा मार जाए। अरे अगली दिवाली को छुड़ा कर दूंगा, जाने दो। अगली दिवाली में ताश खेल कर। दीदी कह रहा है ना छुड़वा कर देगा, तो क्या होती हो? कह रहा है ना वो छुड़वा देगा, ये लो, नहीं छुड़वा सका ना तो कोई बड़ा सामान लेकर आना, दे दूंगा। ऐसे दे दे कर ही मेरा घर पूरा खाली कर दिया तेरी तो, बेवकूफ कहीं के हॉस्पिटल ले, पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। चलो चलते हैं। सेठ ये लो। हाँ सोने का है सेठ।
सोने जैसे लड़के सोना ही लेकर आएंगे ना। अगर नकली सोना होगा तो तुमको उसका पैसा नहीं मिलेगा, घिसना पड़ता है, उसके बाद ही तुमको पैसा दूंगा। घिसो सेठ घिसो। अरे यार ये तो कुछ और भी डाल रहा है। मैं नतरंग लाई। लो पकड़ो। क्या सेठ इतना ही क्या? ए इसका इतना ही मिलेगा, पकड़ो। ये सेठ एक रुपए भी ज्यादा नहीं देने वाला, चल चलते हैं। देख सबसे पहले इसे ले जा करके बहुत अच्छे कपड़े दिलाते हैं। वो रजनी अन्ना ने नई वाली फिल्म में डाला था ना, उसी तरह क्या? अरे वो नहीं यार, राज भैया के पिक्चर में डालते हैं नोक वाली, वो लांबी लांबी वैसा बदल देते हैं। ये सब नहीं चाहिए यार, एक जोड़ी चप्पल ही काफी है मुझे। जैसे हमारे शंकर भैया पहनते ना बेल बॉटम, वैसी लेंगे हम लोग पैंट। शर्ट ऐसी होनी चाहिए, कॉलर उसका मस्त होना चाहिए, ऐसा शर्ट ही लेना होगा। सुनो पहले दुकान जाते हैं फिर इसे जो पसंद है वो ले लेते हैं ना। चलो चलते हैं यार। जितना ही ना ठीक है। अशोक तुझे भर्ती कराने में बहुत मेहनत लगी है, अच्छे से पढ़ना तू। किसी आवारा लड़के से दोस्ती मत करना कभी। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, बाकी सब छोड़। कपड़े लत्ते किताबें इन सब के लिए हम लोग हैं। अच्छे से पढ़कर इसी गांव में पुलिस ऑफिसर बनकर आना होगा, यही हम सबकी तमन्ना है। ये जो 2 साल है ना, किसी भी तरह इसमें पास हो जाना तू, फिर हम सभी की काम की गारंटी पक्की। हर दिन इसी तरह छोड़कर शाम को हम ही घर ले जाएंगे। कोई कुछ बोले ना तो हमको बताना, कान के नीचे बजाएंगे उसको। ये सुन, जा मन लगा के पढ़ना। चल 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 भाई, अच्छे से पढ़ना भाई, नाम होना बनता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है ठीक है। चलो देखते हैं आज क्या होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सभी बैठ जाओ।